बंगाल में ममता बनर्जी जो आज बीजेपी के साथ कर रही है, कुछ ऐसा ही सीपीएम के साथ कर चुकी है। इसके पहले सीपीएम ममता के साथ ऐसा ही करती आई थी। कांग्रेस भी उसका स्वाद अच्छे से चख चुकी है, लेकिन मुकाबला बीजेपी और टीएमसी का है। लड़ाई मोदी और ममता के बीच है और ममता बनर्जी अपना पुराना तांडव कर रही है। सीपीएम चुप है कि उसे क्या, कांग्रेस चुप है कि ममता का साथ उसे मिलेगा। पूरा विपक्ष चुप है, वो मिशन मोदी को हराने की सबसे बड़ी लड़ाकन है। असल में बात ममता की दबंगई की नहीं, इस बात की है कि क्या पूरे बंगाल में लोकतंत्र का अकाल है। जिस तरह से अमित शाह के कार्यक्रम को रोकने के लिए कोलकाता में ममता की पुलिस और प्रशासन ने किया, उससे तो ये सवाल उठता ही है। अमित शाह के कार्यक्रम के लिए लगाए गए पोस्टर और होर्डिंग को उखाड़ फेंका गया, मंच को तोड़ दिया गया और सड़क किनारे लगे गुब्बारों को फोड़ दिया गया। उससे ये तो साफ है कि ममता बनर्जी अंदर से बेहद डरी और सहमी हुई है कि कहीं उनका आधार न बिखर जाए। अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए गोली से लेकर बोली का खुलेआम इस्तेमाल करने वाली ममता बनर्जी बहुत हद तक इस लोकतंत्र के लिए घातक है। राहुल गांधी अगर इस भ्रम में है कि ममता के समर्थन से वो सरकार बना लेंगे तो वो चलेगी कितने दिन, इस पर पहले सोचना जरूरी है। और इसके पहले भी ये सोचना जरूरी है कि क्या वो इस लायक सीटें जीत पाएंगे कि ममता की मदद से सरकार बना ले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।